हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन में देखिए। व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो ये नंबर्स दे रखे हैं हमें, जितने भी नंबर्स हैं इनके स्क्वेयर का यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर इनका स्क्वेयर निकाला जाए तो यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये बिल्कुल एक आसान सी चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि आपको यूनिट डिजिट किसी भी नंबर के स्क्वेयर का निकालने के लिए उस नंबर का जो वंश डिजिट है, यूनिट डिजिट है, आपको वो देखना पड़ेगा बस। अगर मान लेते हैं, आप ये देखिए जो 1 का स्क्वेयर है वो क्या होता है, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है ना। 2 का स्क्वेयर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, 4। 3 का स्क्वेयर 3 मल्टीप्लाई 3, 9। 4 का स्क्वेयर 4 मल्टीप्लाई 4, 16। इसी तरीके से बाकी के नंबर्स है उनका देखेंगे आप, ठीक है। तो अब आप देखिए ना, जिस अब मान लिया कि अगर किसी का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके जो स्क्वेयर का यूनिट डिजिट 1 ही होगा। साथ ही साथ जिसका यूनिट डिजिट 9 होगा उसका भी, उसके भी स्क्वेयर का यूनिट डिजिट 1 होगा। तो ये दो चीज़ें ध्यान देनी है। इसी तरीके से और भी है ऐसे ग्रुपिंग। अब 2 को देखिए, जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा उसके स्क्वेयर का यूनिट डिजिट 4 होगा। और इसी तरीके से आप देखें तो 8 के केस में यही है, 2 और 8, है ना। जिसका यूनिट डिजिट 2 या 8 हो उसके स्क्वेयर का यूनिट डिजिट 4 होगा। इसी तरीके से 3 और 7 के केस में 9 होगा, 4 और 6 के केस में 6 होगा। क्लियर हुआ। और जिसके इवन नंबर ऑफ जीरो आ जाए, किसी नंबर में, तो उसका जो इवन नंबर हो चाहे ओड नंबर हो, जीरो है तो 0 ही होगा, ठीक है। अब रह गया एक 5, तो 5 का तो 5 ही होता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, जिसका 9 और 1 है वो 1, जिसका 2 और 8 है उसके स्क्वेयर का यूनिट डिजिट 4, 3 7 केस में 9, 4 6 केस में 6। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, याद रखनी है, याद रखनी है, ठीक है। याद रखोगे फिर आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना देता हूँ, ये मैंने टेबल बनाई है, आप इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ कुछ गलती हो गई, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ करते हैं तो गलती होती है, ठीक है। तो मैंने पहले कभी ऐसे नहीं बनाई थी, अब आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये टेबल बनाई है। तो यहाँ सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर, यहाँ नंबर आएगा इस कॉलम में, यहाँ पर होगा यूनिट डिजिट ऑफ नंबर स्क्वेयर, यूनिट डिजिट ऑफ नंबर स्क्वेयर, ठीक है। टोटल हमारे पास 10 इस तरीके के नंबर है। ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में है 81, ठीक है। 81 का यूनिट डिजिट, अब देखिए 1 है तो इसका 1, इसको पावर 2 करके देखो, 1 1 4 1, तो यानी कि 1, तो इसका 1 होगा। 272 है तो 2 है तो 2 2 जा 4, 4 आया तो इसका आएगा 4। 799 को देखा हमने, 9 9 जार 81, क्या आया यूनिट डिजिट, 1 आया ना, तो इसका पूरे का भी यूनिट डिजिट 1 आएगा, ओके। नेक्स्ट है 3853, 3 को दो बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 आया
तो फिर इसका मतलब इसके जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो भी 9 आएगा। 1, 2, 3, 4 सिमिलरली 4, 4, 4 जा 16 तो 6, और 2, 6, 3, 8, 7 7 आया है तो 7, 7 जा 49 यूनिट डिजिट 9। ठीक है, इसके स्क्वायर का ये हुए नंबर्स, और यहाँ पर जो है इन नंबरों के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा वो लिखे हैं। इसी तरीके से बाकी के सम्स भी करते हैं। तो ये जो सिक्स्थ पार्ट तो हमने कर लिया था, यही दोबारा से लिख दिया गलती से, कोई बात नहीं। तो यहाँ कर देते हैं 9 ही है। अब 8 है तो 8, 8 जा 64 8, 8 जा कितना आया 64। 64 का यूनिट डिजिट 4 है तो यहाँ 4 आएगा। 0, 0 का तो 0 ही होता है। 6, 6, 6 जा 36 होता है। 6 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 होगा। किसका? इसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट। 5 में 5 ही रहता है, 5, 5 जा 25 5। ठीक है, समझ में आ गया ना? वेरी गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन जो प्रॉब्लम है। अभी ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कोई भी नंबर आए, कितने भी बड़ा डिजिट आए, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी है, वर्स्ट डिजिट देखना नंबर का, और उसको उसी से मल्टीप्लाई करके देखिए। और अगर आप याद रख सकते हैं, वैसे मुझे लगता है कि करके देखने में ज़्यादा आसानी है, नहीं? और वो कैसे किया है वो देखिए, ये आपको जो समझाया था वीडियो के स्टार्टिंग में। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्लीज़ ले लीजिए, और फिर दिस वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।